हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी मसाला। वैसे तो मैगी मसाला बनाना सबको आता है, लेकिन आज मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाने जा रही हूँ, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और हमेशा की तरह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन एक क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैगी मसाला नूडल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 पैकेट मैगी ले लिया, नूडल्स ले लिया, आप कोई भी मैगी नूडल्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर 1/4 छोटा चम्मच ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर 1/3 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, मैगी मसाला 2 चम्मच छोटा, तेल 2 बड़ा चम्मच। ये सारा सामान मैंने पहले से काट लिया है। बड़ा साइज का प्याज ले लिया है बारीक काट के, एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक काट के ले लिया है, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता, धनिया ले लिया थोड़ा सा, धनिया की पत्ती थोड़ा सा ले लिया, यहाँ जीरा। अब हम सबसे पहले कढ़ाई रख देंगे, कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम जीरा डाल देंगे, तेल गर्म हो गया इसमें हम जीरा डाल देंगे। कुछ मिनट के लिए इसको भून लेंगे। जीरा जैसे ही हो जाए इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज डाल के थोड़ा सा इसको भून लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे इसको। जैसे ही प्याज हो जाए इसमें हरी मिर्च और करी पत्ता डाल देंगे, फिर कुछ मिनट के लिए भूनेंगे प्याज को, हरी मिर्च और करी पत्ता को कुछ मिनट के लिए भून लेंगे। बराबर चलाते रहेंगे इसको। कुछ मिनट के लिए यानी 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। वापस बाद में देखेंगे कि प्याज का कलर हल्का फ्राई हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल के एक बार चला लेंगे इसको। अब इसमें मिर्चा पाउडर डाल देंगे, फिर इसको एक बार चला लेंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे। 2 या 3 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम पे इसको भुनेंगे, जब तक कि मसाला अच्छे से ना पक जाए। मसाला अच्छे से पक गया इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के 2 या 3 मिनट के लिए मीडियम या हाई लो फ्लेम पे इसको भी भुनेंगे। इसको बराबर चलाते रहेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गया, अब इसमें पानी डाल देंगे, 1 कप पानी डाल देंगे। एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे, जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम मैगी डाल देंगे। मैगी को आप सीधा भी डाल सकते हैं, इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं। मैगी डाल के इसको एक बार अच्छे से फिर चला लेंगे। नमक इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे क्योंकि मैगी मसाले में नमक पहले से रहता है। अब एक बार फिर चला लेंगे। अब इसमें मैगी मसाला डाल देंगे, मैगी मसाला डाल के एक बार फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। अब इसको अच्छे से चला के छोड़ देंगे कुछ मिनट के लिए। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे जिससे मैगी अच्छे से पक जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे मसाला मैगी अच्छे से टेस्टी तैयार हो आपका नूडल्स मैगी। बीच बीच में इसको चला ले फिर एक बार। एक बार अब इसको मीडियम फ्लेम पे कर दे, अब इसको अच्छे से चला ले आप फिर। इसको फिर 2 मिनट बाद इसको एक बार फिर चला लेंगे।
आपकी सुपर टेस्टी मसाला मैगी बनके तैयार होगी। इसमें धनिया की पत्ती डालेंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़।